नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिन्हा। बिहार में प्रचंड गर्मी लोगों की जान लेता जा रहा है। एक और जहां गर्मी लोगों की जान ले रहा है, तो वहीं इस गर्मी के वजह से पानी का स्तर भी नीचे होता जा रहा है। इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुनिए। काफी गर्मी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए फिर से सलाह मांगी जा रही है लोग। सर सामने सर 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 सब 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 बात हो गया। बात सर गर्मी सर, अरे बहुत गर्मी है सर। सर एक चीज और सर, सर आपकी बैठक सर शुरू हो रही है, उसके बाद अमित शाह बड़े कार्यक्रम सर लेके आ रहे हैं सर। तो देखा आपने किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी माना है कि बिहार में गर्मी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। इस प्रचंड गर्मी में एक और जहां पानी का स्तर नीचे जा रहा है, लोगों को पानी भी नहीं मिल पा रहा, तो वहीं बिजली में भी परेशानी हो रही है। लाइन कटने की वजह से लोग गर्मी से परेशान है। दूसरी ओर इस गर्मी की वजह से लोग डायरिया से भी पीड़ित हो रहे हैं। दर्जनों भर मरीज जो हैं वो लगातार अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। ऐसे में 34 लोगों की मौत की खबर गर्मी से हुई है। बता दें कई अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने लगातार इसे लेकर अलर्ट जारी कर रखा है। लगातार मौसम विभाग ये कहता दिख रहा है कि घरों में रहें, अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। इसी के साथ 6 जिलों में एक और ऑरेंज अलर्ट जारी है, तो 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अभी किसी भी जिले में रेड अलर्ट जारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ रहा है, आने वाले समय में अगर मॉनसून दस्तक नहीं देता है तो शायद हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि हर तरफ त्राहिमाम मचा है। इस तपती गर्मी में हर कोई परेशान है। बिहार के कई जिलों में जिस तरीके से ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है, तो कई जिलों में बारिश को लेकर के भी संभावनाएं जताई गई है। लेकिन जिस तरीके से मॉनसून अब तक दस्तक नहीं दे रहा, ऐसे में क्या बिहार के लोगों को राहत मिल पाएगी, इसे लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।